गन लोड की और प्रदर्शनकारियों पर फायर। हरियाणा में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी तस्वीर, प्लेटफॉर्म युद्ध का मैदान, लोड की गई गन, आंसू गैस का गोला छोड़ा। बिहार में इसकी नौबत क्यों आई? तीसरी तस्वीर, स्टेशन पर ट्रेन की बोगी से शोले उठ रहे, जो देश में सबसे अनुशासित जीवन वाली नौकरी की तैयारी करते आ रहे थे, इतने उपद्रवी कैसे बन गए? अनुशासन की माचिस लगाकर सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा दी। बिहार में ऐसे हालात क्यों बने? चौथी तस्वीर, जिस पटरी से यात्रियों को लेकर ट्रेन जाती, उसी ट्रैक को उखाड़ना शुरू कर दिया। युवाओं में आक्रोश की वजह क्या बनी? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, 8 राज्यों में यह आक्रोश का अग्निपथ गुरुवार को दिखा। वजह इसकी क्या रही? ये धर्म के नाम पर भड़के छात्र नहीं है, ये राजनीतिक दल के झंडे तले उग्र हुए युवा नहीं है, ये जाति के नाम पर बहके हुए नौजवान नहीं है, ये न आरक्षण मांगने वाले हैं, न आरक्षण का विरोध करने वाले हैं। ये लोग कौन है, पहले इन्हीं का परिचय जान लीजिए। गुरुवार को प्रदर्शन करने वाले ये वो युवा हैं जो बचपन से ये पढ़ते हुए बड़े हुए, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, जिन्हें आपने अपने गांवों में सुबह सूरज उगने से पहले पगडंडियों पर दौड़ लगाते देखा होगा। शहरों महानगरों में रहने वालों ने सुबह हाईवे किनारे इनको पसीना बहाकर दौड़ते देखा होगा। जिनसे कभी किसी ने पूछा बड़े होकर क्या बनना है, सीना चौड़ा कर ये बोले आर्मी में जाना है। जो दिन में 4 बार अपना सीना फुलाकर नापते रहते थे, कहीं तय मानक में पीछे तो नहीं। जिन्हें जमीन बेचकर, कर्ज उठाकर, पेट काटकर घर वालों ने ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिला दिलाया। जो 2020 से इंतजार कर रहे थे कि एक बार सेना की भर्ती खुलेगी तो बेटा देश की रक्षा के लिए भर्ती हो जाएगा। 2020 से अटकी सेना की भर्ती नहीं खुली, खुल गई सेना की भर्ती में नई स्कीम, नाम दिया गया अग्निपथ। भर्ती होने वाले सैनिकों को नाम मिलेगा अग्निवीर, जिन्हें 4 साल के लिए सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा। विरोध में बुधवार को शुरू हुआ प्रदर्शन गुरुवार को देश में और तेज हुआ। सबसे ज्यादा बिहार में आग लगी। छपरा में नौजवानों ने प्रदर्शन करते हुए ट्रेन की बोगी को फूंक दिया। अब यहाँ पूर्व सेना प्रमुख और अभी केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की बात को सुनिए। कोई भी जो फौज में जाना चाहता है ट्रेन नहीं जलाएगा, ये मैं मानकर चलता हूँ। जिसको फौज में जाना है उसके अंदर देश के लिए प्यार होता है, उसके अंदर देश के लिए जज्बा होता है, वो देश की प्रॉपर्टी को नहीं जलाता। हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं। हिंसा में युवा देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन कानून तोड़ना इन युवाओं का शौक तो होगा नहीं। जैसे बिहार के कैमूर में भी समस्तीपुर पटना पैसेंजर ट्रेन में इन युवाओं ने आग लगा दी। इन्हें पीछे हटाने के लिए आंसू गैस का गोला छोड़ना पड़ा। दो अहम सवाल हैं। पहला, प्रदर्शन करने वालों की नाराजगी की वजहें क्या है? दूसरा, 8 राज्यों के बीच बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन क्यों देखने को मिला? सेना की भर्ती की 4 साल वाली स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवाओं में दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो 2 साल से सेना भर्ती टलने से अब ओवर एज हो गए। दूसरे नाराज युवा वो है जो 4 साल की भर्ती स्कीम में आगे अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। जिन्हें देश की रक्षा करनी है वो क्यों सार्वजनिक संपत्ति के शत्रु बने? कोई भी विचार अपने मन में बनाने से पहले एक एक करके इन सभी युवाओं को सुनते जाइए। बिहार में रनिंग पास किया था आर्मी का, दौड़ फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटेन बाकी था। रिटेन को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं, देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते हैं। मेरा लास्ट डेज है, सरकार एक इंच कम रहता है तो हम लोग को छाड़ देता है कि बाहर जाओ, नंबर 1 नंबर कम रहता है तो बाहर जाओ। और ये कैसे हो सकता है कि इतना दिन इंतजार किए रिटर्न के लिए और रिटर्न कैंसिल है? मेरा एज खत्म हो गया, मेरा 21 साल है, 23 बरस हुआ, क्या करें हम, मर जाए यहाँ पे। जिस
पिछले 3 साल से आर्मी की रैली रोके हुए है। रैली ले ली जाती है, रिटर्न नहीं लिया जाता है। छात्रों का उम्र लगातार बढ़ रहा है लेकिन उम्र सीमा में बढ़ोतरी नहीं की जा रही। जिस प्रकार जो चुनाव के नतीजे हैं सर, इनको जल्द से जल्द शाम तक चाहिए। उसी प्रकार आर्मी का रिजल्ट, एयरफोर्स की इनरोलमेंट और एयरफोर्स का रिजल्ट 2 साल से सर इंतजार करा रहे हैं, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया और अब अंत में जाके कह रहे हैं कि परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए गए। जो परीक्षा कराएंगे सर उनका परिणाम जल्द से जल्द निकाला जाए, हमारी ये सरकार से निवेदन है सर। कर्ज में डूबे हैं कि सब किसान लड़के हैं सर, आईएएस पीसीएस का बच्चा तो तैयारी करने आएगा नहीं फौज की, आएगा किसान का बच्चा, वो पैसा कहाँ से देगा? उसके माँ खुद मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उसके लिए डाइट कर रहे हैं, दे रहे हैं लिखा भी, और एज ओवर होगी अब क्या करेंगे? 17.5-18 साल की दी गई है, उसमें 4 साल की उसमें ड्यूटी कर दी है सर, क्या करेंगे उसके बाद? इन नौजवानों को सुनने के बाद विश्वास से आप गुरुवार को देश भर में अग्निपथ सेना भर्ती स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन के पुशअप की वजह समझे होंगे। और विस्तार से जान लीजिए, सेना में भर्ती की उम्र 17.5 साल से 21 साल होती है। 2020 मार्च से 2022 मार्च तक 2 साल में देश में सेना में कोई भर्ती जवानों की नहीं हुई, वजह कोरोना बता दी गई। जबकि सैकड़ों युवाओं ने इस दौरान सेना भर्ती के लिए हुए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास किए थे, लेकिन इसके बाद 2 साल में या तो कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ नहीं या अगर कराया गया तो उसका रिजल्ट नहीं निकाला गया। हजारों युवा देश में सेना भर्ती 2 साल अटकी रहने से ओवर एज हो गए, अब नई भर्ती स्कीम में उन्हें मौका भी नहीं मिल सकता। हम अभी 23 साल के 22 साल का हो गए, अब क्या करेंगे सर बताइए, क्या करेंगे? 50,000 जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए, अब एग्जाम कैंसिल होगा, ना पैसा है ना जमीन है, क्या करेंगे सर? यानी सैनिक बनने की तैयारी से आंदोलनकारी बनने को मजबूर हो चुके युवाओं का पहला सवाल है, 2 साल सेना भर्ती अटकने के कारण ओवर एज हो चुके नौजवानों के साथ न्याय कैसे होगा? क्या मेडिकल फिजिकल और 4 रिटन टेस्ट 2 साल के भीतर पास किए युवाओं के लिए रास्ता कोई निकल सकता है?